केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ उप डाकघर और प्रधान डाकघर के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने शासन प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के कार्य के बहाने प्रताड़ित करने, शासन द्वारा कानून में बदलाव करके कर्मचारियों को प्रताड़ित करने सहित अन्य आरोप लगाते हुए अपनी लंबित पड़ी हुई मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है। इस अवसर पर संजय राय, सुनील सिंह, ऋषिकेश मनीष चंद, दुर्गा प्रसाद, राम केवल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक प्रांतीय मंत्री जनार्दन सिंह ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पोस्टल वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पोस्टल यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जनार्दन सिंह, गोरखपुर क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर। देशव्यापी हड़ताल अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले गोरखपुर में हो रहा है। सरकार जो है कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण तमाम समस्याएं कर्मचारियों की है। न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया है कर्मचारियों के लिए, और जिसमें जो है तमाम कर्मचारी हमारे जो है 60 साल की सेवा के उम्र के बाद जो है रिटायर हो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस तमाम बिंदुओं पर कोविड के तहत मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही है। हमारे तमाम कर्मचारी कोविड के तहत मृत हो गई है, उनके परिवार जो है सड़क पर आ गया है, उनके बच्चे सड़क पर आ गए हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रहा है।